क्या संभावना है किसी जमीनी स्थल को पाने की तो इसके लिए मैंने फिर से आई चेकड एंड री चेकड मैंने दो बार तिबारा उसको चेक किया वी हैड लॉस्ट अवर मेन कैंपस और दुख तो एक के बाद एक आई रहे थे तकलीफें समस्याएं तो आई रही थी समस्याएं खत्म होते नहीं दिखती थी एक समस्या मुंह बाय खड़ी उसका निराकरण इससे पहले हो दूसरी समस्या यहाँ इनको समस्या ये आई कि जो मेन कंपास था वो गुम गया था आई हैड लॉस्ट माई मेन कंपास कंपास क्या होता है वही इंस्ट्रूमेंट जिससे दिशा ज्ञान होता है ये दिशा ज्ञान के लिए समुद्री जहाज़ों में ये कंपास रहता है जो मैनुअल रहता है जिसको जिसको हाथ में लेके घूम सकते हैं तो so, वो मेरा गुम गया था तो दिशा ज्ञान भी में दिक्कत हो रही थी एंड आई वॉज यूजिंग मैग्नेटिक वेरिएशन पास जो एक अतिरिक्त एक दूसरा एक कंपास था उसका मैंने उपयोग शुरू किया इस समय और लेकिन दुर्भाग्य से उस कंपास को मैंने सेट नहीं किया था यानी कंपास के नीडल को जीरो पे लाना मैंने नहीं किया था और इसलिए मुझे उसकी गुंजाइश रखनी थी कि जो दिखा रहा है जितना डिग्री उस डिग्री के कुछ आगे पीछे मैं कम ज़्यादा उसमें रखूँ और ये जो दिशा मापक यंत्र जो इनका होता है वो डिग्री में नापा जाता है सो आई चेकड एंड री चेक माई कैल्कुलेशंस वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस लॉस्ट किससे बना है लूज लॉस्ट लॉस्ट एल ओ एस सी लूज मने गुम जाना खो देना एल ओ एस ई लूज यानी खो देना और लॉस माने खो दिया लूज का एक और स्पेलिंग है लूज शब्द की एक स्पेलिंग और है एल डब्लो एस ई यह दूसरा शब्द है और एल डब्लो एसई लूज माने ढीला द नॉट इज लूज जो गठान है वह ढीली है तो यहां पर एल डब्लू एस ई आएगा और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है एल ओ एस सी लूज यानी लूज लॉस्ट आई हैड लॉस्ट माय मेन कंपास एंड आई वाज डिपेंडिंग ऑन ए स्पेयर कंपास एंड कीपिंग एन अलाउंस फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन अलाउंस मन गुंजाइश अलाउंस मन गुंजाइश मुझे आपको दस बजकर बीस मिनट में पहुंचना है और बीस किलोमीटर चलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि दस बजकर बीस मिनट पर पहुँचने के लिए हम दस बजे निकलें तो बीस मिनट में पहुँच जाएंगे फिर मैं क्या कहूँगा कि लेट अस स्टार्ट एट नाइन फिफ्टी इन प्लेस ऑफ टेन हम नौ पचास पर निकलें दस मिनट पहले दस बजे के बदले दस मिनट पहले निकलें ताकि गुंजाइश रखें कुछ बात हो जाए कुछ घटना हो जाए पेट्रोल भराना हो जाए पंचर हो जाए तो 10 मिनट की गुंजाइश रखें सो आई कीप एन अलाउंस ऑफ 10 मिनट्स मैं 10 मिनट की गुंजाइश रखा हूँ तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि इस कंपास बॉक्स में चूंकि नीडल सेट नहीं था कंपास का नीडल सेट नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशन वो मैग्नेटिक कंपास था जो मैग्नेट अर्थ का जो मैग्नेटिक गुण है उसके बल पे वो काम करता था तो मैंने उसके गुंजाइश कुछ रखी और मैंने कुछ कैलकुलेशन किया आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट मैंने मैग्नेटिक कंपास को सेट ना करने की गुंजाइश रखी सेट ना कर पाने के कारण अपने कैलकुलेशन में कुछ गुंजाइश रखी और साथ ही एक और कारण था जिसके कारण मुझे कुछ गुंजाइश रखना था और वो था इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन पश्चिम से आने वाली हवा पश्चिम से आने वेस्टर्ली करेंट पश्चिम से आने वाली हवा और पानी के तरंग की मैंने गुंजाइश रखी जो कि विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन हिंद महासागर के इस हिस्से में जो पश्चिमी हवाएं आती हैं बहुत तेज़ी से और वो जहाज़ की दिशा को प्रभावित करती हैं बहुत तेज़ रहती हैं और ऐसे ही समुद्री तरंगे भी जो रहती हैं वेस्टर्ली करेंट वो भी प्रभावित करती हैं तो मैंने इनके द्वारा जो जहाज़ के प्रभाव होने की संभावना थी जहाज़ पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी उसकी भी गुंजाइश मैंने रखी I kept a scope and allowance for these two things for magnetic compass variation, magnetic variation, and also for these wind pressure. And I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैंने कैलकुलेशन किया था चेक किया री चेक किया फिर ये दोनों समस्याओं के बारे में सोचा कि ये कंपास सेट नहीं है और साथ ही ये वेस्टर्ली विंड्स भी बह रही हैं और उसके कैलकुलेशन के बाद जो निष्कर्ष मैंने निकाला उसके आधार पे एट अबाउट टू पीएम आई वेंट ऑन द डेक मैं डेक पर गया दो बजे दोपहर एन लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 एटी फाइव डिग्री मैंने लैरी को कहा कि जहाज को 185 एटी फाइव डिग्री पे मोड़ दो क्या कहा कि जहाज को जहाज की दिशा को पाल की मदद से मोड़ दो यानी कैसे स्टीयरिंग व्हील रहता है ना उनका उस स्टीयरिंग व्हील की मदद से पाल को एक दिशा देते हैं और पाल को जो दिशा देते हैं उससे हवा टकराती है हवा की पाल से टकराहट के कारण दिशा बनती है जैसे आप कुछ नाव में मोटर बोट में देखे होंगे जो बूढ़ा तालाब में है या कुछ अन्य जगहों पर है उस मोटर बोट में पानी को काटते हैं उसमें एक मशीन लगी रहती है एक लोहे का पीछे एक टुकड़ा लगा रहता है जिसको एंगल देते हैं जिसको हम एक कोण देते हैं और उससे पानी कटता है और नाव की दिशा बदल सकते हैं वो स्टीयरिंग व्हील है वो भी उनका व्हील ही है जहाज का भी वो व्हील है वो पाल है मस्तूल है तो मैंने क्या कहा किसको कहा लैरी को जो उस समय पाल को संभाल रहा था मैंने कहा इसो स्टीयरिंग को एक डिग्री पर मोड़ दो 185 डिग्री इफ वी आर लकी आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब देखिए कहानी कहाँ पर आ रही है At about 2 p.m. I went on the deck and asked Larry to ask मैंने पूछना और to ask मैंने कहना भी I asked you to go मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो आज मतलब पूछना भी और आज मतलब कहना भी तो आई आस्ड हिम टू ईट मैंने उसे खाने के लिए कहा सो आई आज लैरी आस्ड लैरी टू स्टीयर द शिप टू 185 एटी फाइव डिग्री शिप की दिशा को 185 एटी फाइव डिग्री पे ले जाए मोड़ दे और चले आगे बढ़े आई आस्ड एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट इफ एवरीथिंग गोज राइट यदि सब कुछ ठीक रहा यदि सब कुछ अच्छा रहा तो शाम पाँच बजे तक हमें कोई द्वीप मिल जाना चाहिए यह मेरा विश्वास है कि जो कैलकुलेशन मैंने किया है उसके आधार पे एक द्वीप पाँच छः बजे के आसपास हमें दिखना चाहिए ऐसा बोलते हुए मैंने लैरी को कहा और उसके बाद बहुत थकान थी जो 48 घंटे से जो लगातार शारीरिक और मानसिक मेहनत और तनाव का जो असर था उसका असर मेरे शरीर पर मेरे चेहरे पे दिख रहा था भारीपन देन आई वेंट विथ ए हैवी हार्ट देन विथ एवी हार्ट आई वेंट बिलो डेक में नीचे लैरी को मैंने कहा कि उसकी दिशा मोड़ दो अब लैरी स्टीरिंग पर था परिवार वाले नीचे थे तो ऐसा बोलने के बाद देन विथ a हैवी हार्ट आई वेंट बिलो climbed ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ देन विथ a हैवी हार्ट आई वेंट बिलो climbed ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ क्या अर्थ हुआ हैवी हार्ट मतलब भारी दिल के साथ भारी दिल के साथ का अर्थ क्या है ये नहीं कि दिल भारी हुआ वजन में भारी दिल मतलब बहुत थकान बहुत असमंजस के साथ बहुत अनिश्चितता के साथ इस फीलिंग के साथ आगे क्या होगा मेरा कैलकुलेशन सही बैठेगा कि नहीं इस चिंता के साथ हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं इस तनाव के साथ वेंट बिलो मैं नीचे आ गया और नीचे आकर कैबिन में जो बंक बना था बंक शब्द आपने पहले भी सुना है वो खंड एक तरीके का बंक जिसमें दोनों बच्चे थे जहां जब जहाज बहुत बुरी स्थिति में था तो कुछ क्षण के लिए नरेटर वहां आया था अपने बच्चों से पूछने कैसे हो हाउ यू उसी बंक में जाकर मैं सो गया अमेजिंगली बड़े आश्चर्य मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आई डोज ऑफ मुझे नींद आ गई डोज ऑफ मतलब सो जाना टू स्लीप टू स्लीप और टू डोज ऑफ मैं थोड़ा सा अंतर स्लीप मैने सोना और डोज ऑफ मतलब सो जाना हम कब बोलते हैं सोना और सो जाना ये आप समझ सकते हैं और फिर मैं सो गया फिर मैं सोया नहीं आई आई स्लेप्ट नहीं आई डोज ऑफ मतलब नींद लग गई इसका मतलब क्या होता है डोज ऑफ मतलब नींद लग जाना सो जाना और मैं सो गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बाद में जब मैं जागा तो बड़ा आश्चर्य अमेजिंगली अमेजिंग मैंने अमेजिंग बड़ा आश्चर्य आश्चर्यजनक रूप से मैं वहां सो गया आश्चर्य क्यों क्योंकि इतना तनाव था इतनी चिंताएं थी दिल बड़ा भारी था मन बड़ा भारी था तो ऐसा कुछ नहीं था कि निश्चिंतता ऐसी नहीं थी कि नींद आ जाए लेकिन शायद मुझे नींद इसलिए आ गई क्योंकि मैं बहुत थक गया था मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से और शायद कहीं अंदर कुछ उम्मीद भी थी कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी यह के कारण मुझे नींद आ गई और बहुत गहरी नींद में सो गया आई वो कप एट सिक्स पी एम वेन आई वो कप इट वॉज सिक्स पी एम जब मैं उठा वेक मैंने उठना वेक वोक वो वेक डब्ल्यू ए के ई वेक नींद खुलना बिस्तर से उठना नहीं बिस्तर से उठना के लिए टू गेटअप होगा नींद खुलना को बोलते हैं वे कप और नींद लग जाना को बोलते हैं डोज ऑफ तो जब मेरी नींद लगी तो मुड़ा बाश्चर हुआ वेन आई वो कप इट वॉज सिक्स पी एम जब मेरी आंख खुली तो करीब छः बजा था और मैं सोया कब था लगभग लग तीन बजे के आसपास तीन बजे के आसपास मैं सोया था और छः बजे मेरी आंख खुली जब मेरी आंख खुली तो छः बजा था एंड इट वॉज ग्रोइंग डार्क और फिर अंधकार होने लगा था रात आने लगी थी संध्या थी एक तरीके से मेरे को एक लंबी नींद आ गई थी छह बजे अचानक नींद खुली तो एक हड़बड़ाहट भी हो गई अरे अंधेरा हो रहा है छह बज गया है मैं लंबा सो गया सब कुछ ठीक होगा जहाज में कि नहीं मेरा कैलकुलेशन कैसा है कहाँ पहुँचे इसके साथ में थोड़ा हड़बड़ा के उठा और फिर मुझे लगा कि ऐसा लगता है क्योंकि मैंने पाँच बजे का अंदाज लगाया था लैरी को मैंने कहा था कैलकुलेशन करके कि अंदाज़ से पाँच बजे हमें कोई सा द्वीप मिलना चाहिए और यहाँ छः बज रहा है तो मुझे लगा आई हैव मिस द आयलैंड वी हैव मिस्ड द आयलैंड ऐसा लगता है हमने आयलैंड को छोड़ दिया चूक गए आइलैंड तक पहुंचने से चूक गए टू मिस मने चूक जाना आई मिस्ड फर्स्ट डिवीजन बाय वन मार्क प्रथम श्रेणी आने से मैं एक नंबर से चूक गया तो टू मिस मने चूक जाना ए मिस इज एज गुड एज ए माइल कोई कहता है कि मैं एक नंबर से चूक गया तो आप कह सकते हैं कोई कहता है मैं मात्र एक नंबर से चूका फर्स्ट डिवीजन आने में तो आप कह सकते हैं कि चाहे एक नंबर से छूटो चाहे दस से छूट तो गए ट्रेन पकड़नी है मैं एक नंबर एक मिस करूं या एक घंटे से सच्चाई तो यह कि ट्रेन तो मिस हो गई तो ए मिस इज एज गुड एज ए माइल एक मिस मतलब थोड़ा सा ना माने एक मील से मिस करें या एक मिनट से करें मिस कर गए यानी मिस कर गए आपकी मार्कशीट में एक नंबर से कम होकर 59.9 परसेंट लिखा है तो 59.9 ही रहेगा और आप सेकंड श्रेणी ही कहलाओगे सो ए मिस इज एज गुड एज ए माइल यह एक मुहावरा है तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ऐसा मुझे लगा नरेटर कहते हैं दैट वी हैव मिस द आईलैंड हम लोग शायद चूक गए हैं आईलैंड को पाने से क्योंकि पाँच बजे का मैंने कैलकुलेशन किया था और यहाँ छः बज रहा है एंड विद द सेल वी कंट होप टू बीट बैक द वेस्टर्ली विंड्स और ऐसा लगा कि जो हमने सेल लगाया है जो हमने पाल लगाई है वो उससे अब इन हवाओं को तूफानों को अब हम नहीं बच रोक पाएंगे इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि शाम ढलते ढलते फिर हवाएं तेज होने लगेंगी फिर तरंगे लहरें तेज होने लगेंगी वेस्टर्ली हवाएं जो बहती हैं वेस्टर्ली पश्चिम से आने वाली हवाएं, वो अब बहुत तेजी से मारेंगी तो वी टू बीट बैक बीट बैक यानी पछाड़ना पीछे करना तो वी कुड नॉट होप टू बीट बैक अब हमें उम्मीद नहीं थी कि इन पश्चिमी हवाओं को अब हम उन्हें पछाड़ पाएंगे उन्हें पीछे कर पाएंगे उन्हें अपने रास्ते से हटा पाएंगे यानी अब निराशा के घोर निराशा के बादल छाने लगे मेरा कैलकुलेशन भी गलत लगने लगा इवन माय कैलकुलेशन लुक टू बी गोइंग रॉन्ग दो अलाउंस फॉर मैग्नेटिक कैंपस बॉक्स एंड ऑल्सो फॉर वेस्टर्ली विंड मैंने कुछ गुंजाइश रखी थी और उस गुंजाइश को रखते हुए मैंने अंदाजन पांच बजे का समय सोचा था यहाँ तो छः सवा छः हो रहा है अब निराशा छाने लगी घबराहट होने लगी चिंता होने लगी और लगने लगा कि अब इन सब से अब बचा नहीं जाएगा यानी पहले जो फीलिंग आई थी अवर एंड इज नियर यू रिमेंबर द नैरेटर वॉज होल्डिंग हिज वाइफ मैरिज हैंड और हाथ पकड़ा हुआ था रात के रात में और मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा लगता है अब अंत समय आ गया है अब फिर से इसको लगने लगा कि शायद अब मुश्किल है पार पाना इन समस्याओं से पार पाना अब मुश्किल है इट इज डिफिकल्ट टू गेट ओवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स द शिप इज इन बैड कंडीशन

इसे कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स जब सब कुछ अंधकार लग रहा था चारों तरफ घने बादल चिंता के छाए हुए थे संकट सबसे ज्यादा लग रहा था When आई वॉज फीलिंग everything इज डार्क when आई वॉज फीलिंग दैट everything इज गॉन बैड when आई had लॉस्ट ऑल होप्स when आई had felt दैट वेल वी आर गोइंग टू सिंक नाउ वी आर गोइंग टू डाई नाउ एट दैट मोमेंट उसी क्षण ए टाउजल हेड एपियड बाय माय बंक टाउजल हेड मतलब अस्तव्यस्त सिर मुझे दिखाई दिया मेरे बंक के दरवाजे पर मेरे बंक में मेरे बंक में कौन दिखा किसी का सिर बाल बड़े अस्त व्यस्त थे क्या ना है हग उसने कहा हग मतलब गले लगाना हक मतलब गले लगाना कहना है वे हग करते हुए कोई ऐसा सिर दिखाई दिया जिसके बाल अस्त व्यस्त थे और मैं बंक में लेटा हुआ था सारी चिंताएं मुझे खाई जा रही थी निराशा के घोर बादल आई वॉज ऑल यू नो इन इन डार्क आई वॉज ऑल थिंकिंग नेगेटिव एंड सडनली एट दैट मोमेंट टाउजल्ड हेड उज एपियर मैंने दिखाई देना मैंने बताया है बाय माय बंक मेरे बंक के साथ एक सिर आया और उसने क्या कहा कैन आई हैव ए हग इट वाज जोनाथन कहावे माई माय सन सिक्स ओल्ड सन जोनाथन जो वहाँ खड़ा था और उसने पूछा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ क्या मैं आपसे लिपट सकता हूँ लिपटना हग करना यानी लिपटना हग करना गले लगाना कैन आई हग यू हैव ए हग जोनाथन आज वो टाउजल्ड हेड जिसका था अस्त व्यस्त बाल किसके थे जोनाथन के थे राइट बिहाइंड हिम और जो उसकी बहन थी सु वो भी छोटी बच्ची सात साल की वो उसके पीछे खड़ी थी किसके जोनाथन के जब जोनाथन ने कहा कि क्या पापा क्या आप मुझे एक हक दोगे क्या मैं आपसे लिपटू वाई एम आई गेटिंग हक नाउस्ट मैंने पूछा अभी हक क्यों मुझे अभी क्यों हक कर रहे हो मुझसे अभी क्यों लिपटना चाहते हो मैंने एकदम पूछा मैं तो बंक में था ये लोग अपने कमरे से कहीं से आए और वहीं पे उन्होंने कहा कि क्या हम आपको हक करें किसने कहा जोनाथन ने और उसके पीछे सूख खड़ी थी कल्पना करिए उस दृष्टि की इमेजिन दैट सीन आई एम ट्राइंग टू मेक यू, आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू दैट उस दृश्य में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं जहां पे घटनाक्रम हो रहा है चारों तरफ पानी बढ़ता अंधकार जहाज डावाडोल होते हुए किसी तरह घसीट के चल रहा है आगे जिसका पाल छोटा है हवाएं बड़ी तेज चलने लगी हैं और सब सामान अस्त व्यस्त दिख रहा है भोजन भी अब नहीं के बराबर है या नहीं ही है तीन दिन की दो तीन दिन की थकान अलग है छह तारीख हो गई यानी चार दिन की थकान अलग है और मौत लगभग एक तरीके से मुंह बाय खड़ी है ऐसे में जोनाथन का आना और उसका कहना क्या मैं आपसे लपट लूं और पीछे सू भी खड़ी है और रेटर पूछता है ऐसा क्या वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ मुझे अभी हक क्यों कर रहे हो आई आस्ट मैंने पूछा वाई आर यू लुकिंग फॉर ए हग फ्रॉम मी पैट केम द रिप्लाई तुरंत उसने जवाब दिया बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे पिता हैं दुनिया में हमारे सबसे अच्छे पिता हैं एंड द बेस्ट कैप्टन और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं यानी दो तरीके से उसने कॉम्प्लीमेंट किया एक तो कहा बहुत अच्छे पिता हैं और दूसरा कहा बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं माई सन रिप्लाइड मेरे पुत्र ने जवाब दिया किस प्रश्न पर जवाब दिया अरे मुझे अभी हक क्यों कर रहे हो तो बेटा क्या कहता है पापा इसलिए हक कर रहा हूं बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन टू कॉम्प्लीमेंट नॉट today, जॉन आई एम afraid. नहीं nee, नहीं nee, आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं मुझे 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 भय है मुझे शंका है मुझे चिंता है आज नहीं आज नहीं आज नहीं डोंट डू इट अभी मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ भाई अभी मैं बेस्ट डैडी भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे मन में तो निराशा ही थी ना पूरी मेरे मन में तो चिंता ही थी मुझे लग रहा था किस क्षण जहाज टूट जाए और हम लोग सब समुद्र में डूब जाएंगे जिंदगी का अंत हो जाएगा तो जैसे ही उसने कहा कि यू आर द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन मेरे एकदम मुंह से निकल गया ना 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 नॉट टुडे, आज नहीं आज नहीं व्हाई यू मस्ट बी सू ने कहा तुरंत जो जोनाथन के पीछे खड़ी थी उसने रे क्यों आप हैं सबसे अच्छे डैडी आप हैं यू मस्ट बी यू मस्ट बी मतलब आप हैं आप सबसे अच्छे डैडी हैं आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं यू मस्ट बी सेड इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस इन ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच्चाई को जैसे बोलते हैं सच्ची बात कहते हुए उसने कहा अपनी टोन को मजबूत करते हुए उसने, अपनी आवाज को मजबूती देते हुए उसने कहा कि अरे क्यों यू आर आप सबसे अच्छे हैं पापा यानी जोनाथन ने जो बात कही थी उसको वो सपोर्ट करते हुए बोल रही थी तो कि पापा ने तो कह दिया तेरे आज नहीं आज नहीं क्यों ऐसा अचानक क्यों मैं नहीं हूं भाई अरे यू आर वाई डाउट क्यों शंका है यू आर द बेस्ट यू मस्ट बी द बेस्ट आप हो और फिर आगे क्या कहा हमने तो आयलैंड पा लिया यू फाउंड द आयलैंड आपने तो वो द्वीप पा लिया आपने तो वो द्वीप खोज लिया बस यहाँ से कहानी अगला मोड़ लेती है एक तरफ पिता की इतनी चिंता दूसरी तरफ बच्चों का आना पिताजी पूरी निराशा में डूबे हुए यानी नैरेटर पूरी निराशा में डूबा हुआ और उसके बच्चे आते हैं और बोलते हैं यू आर द बेस्ट कैप्टन यू आर द बेस्ट डैड स्वाभाविक है नैरेटर के मन में तो पूरी निराशा थी वो निराशा किस रूप में निकली नो 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 आई एम नॉट द बेस्ट बेसू से नो 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 आई एम नॉट नॉट टुडे आज तो मैं नहीं हूं तुम्हारा बेस्ट कैप्टन कम से कम आज नहीं हूं कम से कम आज तुम्हारा बेस्ट डैड नहीं हूं तो बेटी क्या कहती है नो यू मस्ट बी आप हो पापा और फिर न्यूज देती है पापा आपने तो आयलैंड पा लिया यू हैव फाउंड द आयलैंड वॉट पिताजी जोर से पूछते क्या क्या बोल रहे हो वॉट मतलब क्या क्या बोल रहे हो क्या कह रहे हो उसने क्या कहा था बेटी ने कहा था आपने आयलैंड पा लिया इस न्यूज को इस आवाज को इस वाक्य को सुनकर पिताजी का रिएक्शन क्या तुम क्या बोल रहे हो तो दोनों बच्चों ने एक साथ कहा इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस ये तो हमारे सामने है दे कोरस्ड कोरस्ड मतलब कोरस मतलब ग्रुप में आपने सुना होगा कोरस संगीत जिसमें दो से ज्यादा एक से ज्यादा बच्चे लोग मिलकर गाते हैं तो स्कूल में तो हम बोलते हैं आज कोरस ये वाला सॉन्ग जो है वो कोरस में होगा ग्रुप में होगा सी एच ओ आर यू एस दे कोरस जो उन्होंने ग्रुप में कहा एक साथ आइलैंड तो हमारे सामने है ये किस प्रश्न का उत्तर था जब पिताजी ने कहा क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो तो बच्चों ने कहा एक साथ अरे आइलैंड तो हमारे सामने है एज बी गैद बैटल शिप उन्होंने आगे कहा कि अरे आइलैंड द्वीप तो हमारे सामने है इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस एंड एज बी गैद बैटल शिप बैटल शिप मतलब क्या होता है युद्धपोत ऐसा जहाज पानी का जहाज जो जिसका उपयोग लड़ाई में किया जाता है यानी युद्ध के उद्देश्य से बनाए गए जहाज को बैटलशिप कहते हैं तो उन्होंने कहा इतना बड़ा दिख रहा है वो आइलैंड जितना बड़ा एक युद्ध पोत होता है यानी छोटा ही रहा होगा पर उनकी नजर पड़ गई थी आई रश्ड ऑन द डेक एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल्स एम्स्टर्डम जैसे ही उन्होंने कहा कि हमने तो आइलैंड देखा है वो तो दिख रहा है सामने और एक बैटलशिप जितना बड़ा दिख रहा है मैं तुरंत भागा रश किया रश करना भागना एंड गेज्ड विथ रिलीफ गेज करना गौर से देखना घूर के देखना तनमय होकर देखना और मैंने वहां दूर से देखा रिलीफ मतलब राहत रिलीफ यानी राहत रिलीफ कैंप लगता है आपने सुना होगा रिलीफ कैंप आर आई एफ रिलीफ़ कैंप मतलब ऐसे कैंप ऐसे शिविर जहां पर बाढ़ या किसी अन्य दुर्घटनाओं प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण मनुष्यों को व्यक्तियों को वहां के निवासियों को रखा जाता है तो वो शिविर क्या कहलाता है रिलीफ कैंप राहत शिविर तो मैंने रिलीफ के साथ राहत के साथ मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा दूर पर एक आइलैंड दिख रहा है आई रश डाउन द डेक एंड गेस्ड विथ रिलीफ गेज करना यानी गौर से दूर से ऐसा देखना एट द स्टार्क आउट लाइन ऑफ आइल्स एम्स्टरडम स्टार्क आउटलाइन मतलब क्लियर जो उसकी जो 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 उसकी आउट लाइन थी बाउंड्री थी उसका जो सीमा थी उसकी सीमाएँ मुझे दिख रही थी उस आयलैंड की सीमाएं मुझे दिख रही आयलैंड के अंदर का दृश्य नहीं देख पर आयलैंड को मैं देख पा रहा था उसकी सीमाएं दिख रही थी आई रेस्ट ऑन द डेक एंडेजड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल्स एम्स्टरडम मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है आइल्स एम्सटरडम एम्स्टरडेम एक और प्रसिद्ध शहर का नाम है हॉलैंड के पर यहाँ एक द्वीप का नाम है और यह द्वीप जो है बहुत छोटा द्वीप है और इसका जिक्र नरेटर ने भी किया है लाइक ए पिन प्रिक इन एन वास्ट ओशन लाइक ए पिन प्रिक इन एन वास्ट ओशन बहुत छोटा द्वीप और इनके अनुसार नरेटर के अनुसार लगभग पैंसठ किलोमीटर का दायरा है बट इफ यू लुक एट डिक्शनरी गूगल करें तो आप पाएंगे कि और छोटा है बहुत छोटा आइलैंड है और आइलैंड है ये सच है पर बहुत छोटा है अत्याधिक छोटा और किनके द्वारा ये आइलैंड संचालित था फ्रेंच जो लोग इसको अपने बेस के रूप में इसका उपयोग कर रहे थे तो ये आइलैंड मुझे दिखाई दिया इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉलैनिक रॉक विथ लिटल वेजिटेशन जो दूर से जो मुझे डेक पर जहाज के डेक से जो मुझे दूर का दृश्य दिखाई दिया आइलैंड का वो बड़ा एक डल था बहुत एक एक ब्लीक पीस ऑफ वॉलकैनिक रॉक ऐसा लगा कि वो जो वॉलकैनो होते हैं ज्वालामुखी वॉलैनो यानी ज्वालामुखी वॉलैनो ज्वालामुखी ज्वालामुखी का जो पहाड़ चट्टान निकलती है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से जो पूरा गर्म जो वस्तुएं निकलती हैं उससे बना हुआ कुछ आइलैंड दिखा इट वॉज ए ब्लीक पीस ऑफ वॉलकैनिक रॉक ऐसा लगा मानो उसकी चट्टान से बन गया वो जो वॉलकैनो है वो चट्टानी रूप ले लिया है और वही एक आइलैंड है मतलब यहाँ कभी वॉलकैनो हुआ होगा वो वॉलकैनो ऊपर ज्वालामुखी के रूप में निकला होगा और फिर सूख के जम गया होगा उतना ही हिस्सा समुद्र के ऊपर आ पाया है और वही आइलैंड बन गया है विथ लिटल वेजिटेशन और चूंकि वॉलकैनिक था गर्म लावा से बना था रॉकी था चट्टानी था इसलिए वेजिटेशन नहीं था वेजिटेशन नहीं दिखाई दिया वेजिटेशन मतलब हरियाली वेजिटेबल सब्जी भाजी वेजिटेशन हरियाली तो वहां कुछ हरियाली नहीं दिख रही थी जो मैं दूर से दृश्य देख पाया इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉलकैनिक रॉक विथ लिटल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटिफुल आईलैंड इन वर्ल्ड

इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी तकलीफों में ऐसे क्षण में जब जिंदगी दांव पर थी उस समय अचानक इस आइलैंड का मिल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत राहत की चीज थी इसलिए मुझे बहुत सुंदर लगा, ये द्वीप मुझे अत्याधिक सुंदर लगा आई फाउंड इट टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट और अब हमारा जहाज किनारे पहुंच गया शोर यानि किनारा शोर यानि किनारा एस एच ओ आर ई अब हमारा जहाज किनारे में पहुंच गया ऑफ शोर फॉर द नाइट और वी एंकर करना मतलब वही लंगर लगा देना जहाज को बांध देना आपको याद होगा एक नायलोन की रोप बनाया था जिसमें दो प्लास्टिक के डब्बे बांधे थे वो प्लास्टिक के डब्बे क्यों बांधे होंगे प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं वो पानी में डूबते नहीं यदि ढक्कन बंद हो उसके अंदर पानी ना जाए तो पानी में डूबते नहीं तो नायलॉन रोप के साथ यदि बांध दिया जाए तो वो नायलॉन रोप भले ना दिखाई दे पर डब्बे से आप समझ सकते हो कि नायलॉन रोप कहाँ है और डब्बे को यदि आप तान के खींचेंगे तो रस्सी ऊपर आ जाएगी तो उस नायलॉन रोप से ही हमने बांधा होगा वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट रात में हमने जहाज को किनारे लगाया उसको लंगर से बांधा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उस आइलैंड में रहने वाले 28 लोग उन लोगों ने हमारा स्वागत किया और हमें किनारे लाए देखिए क्या हुआ वी एंकर्ड ऑफ शोर हम जमीन में नहीं उतरे हम वहीं रहे अपने जहाज में ही रहे वहाँ लंगर लगा दिया बांध दिया और चूंकि रात हो चली थी हम जहाज में रहे अगली सुबह एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द ट्वेंटी एट इन्हैबिटेंट्स इनहेबिटेंट मतलब रहवासी निवासी उस क्षेत्र के निवासी कितने लोग थे मात्र अट्ठाईस इतना छोटा द्वीप जिसमें केवल अट्ठाईस लोग रह रहे थे और वो भी महासागर के बीच में एक छोटा द्वीप दुनिया से पूरी तरह कटे हुए पर ऐसी जगह में भी लोग थे तो 28 लोग ऑल द 28 एट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आईलैंड चीयर्ड चीयर्ड मतलब उन्होंने हमारा स्वागत किया जोर शोर से स्वागत करना चीयर करना तो अपन बोलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं तो खिलाड़ियों को हम लोग क्या करते हैं चीयर करते हैं तालियां बजाते हैं उनको उनको उनमें उत्साह करते हैं चीयर करना मतलब उत्साहवर्धन करना चीयर करना मतलब शबाशी देना स्वागत करना तो यहां पर ऑल द ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चेयर्ड एज दे हेल्प अस एशोर। और ऐसा करते हुए उन्होंने हमें किनारे उतारा किनारे लाए नाउ वी कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन देखिए कितने संघर्ष के बाद हम फिर जमीन पर थे तरस रहे थे हम जमीन के लिए जीवन मौत के सवाल हो गया था तो अब जमीन को हमने छुआ विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी जैसे ही मैंने जमीन छुई मेरा विचार मेरा दिमाग पूरी तरह लैरिक, हर्बी उन पर चला गया जो बड़े खुशी से और बड़े उत्साह के साथ बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ आशावादी विचारों के साथ जो पंपिंग कर रहे थे लगातार उन्होंने पंपिंग करना छोड़ा नहीं आपको याद होगा वो पंपिंग के ही कारण जहाज डूबने से काफी कुछ बचा था क्योंकि जितना पानी अंदर आता था उतना पानी वो निकाल फेंकते थे चाहे पंप एक हो चाहे दो हो सो विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under direct stress. Stress मतलब तनाव direct stress, सीधा तनाव उन पर था किस चीज़ का तनाव था उनकी ये duty थी कि जितना पानी आए उतना निकालो क्योंकि यदि पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो जहाज के डूबने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी they were working day and night for the last two three days to throw out, to push out the water.

एक क्रूशियल स्टेज मतलब निर्णायक उस निर्णायक क्षणों में मेरी पत्नी लगातार व्हील पर बैठी थी जो मास्ट को स्टीयरिंग कर रही थी तो जैसे ही मैंने जमीन छुई मेरा दिमाग तुरंत मेरे विचार तुरंत मेरे उन सहयोगियों के लिए गए लैरी हरबी और मेरी पत्नी जिन लोगों ने यह काम किया था और बड़े आशावादी तरीकों से किया था वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी चेयरफुली खुश होते हुए किया हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस्ट क्रूशियल आवर्स और इस सबसे ज्यादा एंड मोस्ट ऑफ ऑल और इन सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ ऑल इन सबसे ज्यादा आई थॉट ऑफ ए सेवन ईयर ओल्ड गर्ल Who did not want us to worry about a head injury? मैंने मेरे विचार उस लड़की के लिए गए जो सात साल की थी कौन सुजाने मेरे विचार उस लड़की के लिए गए जो सात साल की थी और जिसने हमें अपनी हेड इंजुरी के बारे में ना बताकर हमें चिंता से दूर रखा हुट वॉन्ट अस टू वरी वो नहीं चाहती थी कि हम चिंतित हों। और बाद में तो सच्चाई ये है कि बाद में उसे छः माइनर ऑपरेशन करने पड़े टू रिमूव ए रेकरिंग ब्लड प्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल उस क्षण तो मेरे विचार मेरी बच्ची के प्रति चले गए जो जिसने बिल्कुल सुनिश्चित किया था कि हम चिंता ना करें उसकी हेड इंजरी की तो उसने हमको उत्साहित किया था उसको जो इतनी सीवियर हेड इंजरी हुई थी उसको दबा के रखा था एंड यू नो दैट इंजरी वॉज सो सीवियर इतनी बड़ी इंजरी थी विच सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में पहले भी ये शब्द आया है विच टुक अस सिक्स माइनर ऑपरेशन बाद में तो इस बच्ची के छह ऑपरेशन हुए जिस ज, क्यों क्लॉट को रिमूव करने के लिए ब्लड इकट्ठा हो जाता था, था, था वहाँ पे सूख जाता था कहाँ पर स्कल और सिर की जो चमड़ी है उसके बीच में टू तो रिमूव रेकर रेकर करना मतलब बार बार होना रेकरिंग रेकरिंग ब्लड क्लॉट बारंबार होने वाला ब्लड का थक्का जो वहाँ जमा हो जाता था ब्लड का थक्का जमा होना खतरनाक होता है क्योंकि वे ब्लड की सप्लाई को रोक देता है पैरालाइज कर देता है कई बार मौत भी दे देता है तो ये छह बार ये ऑपरेशन करने पड़े हमको बाद में तो बाद की बात है उस समय तो उसने ऐसा बताया कि ज्यादा चिंता मत करो और रिकरिंग मतलब मैंने बताया बारम्बार एंड माई थॉट्स ऑल्सो वेंट फॉर माई सिक्स ईयर ओल्ड बॉय और मेरे विचार मेरे बेटे के प्रति भी गए जो छह साल का था और जिसने क्या कहा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई we are not afraid to die usne who was not afraid to die so the narrator tells about ends the story by saying that the moment he touched the land immediately his thoughts went for the people who supported him in this crucial hour who supported him very firmly, who supported him cheerfully, who supported him with a lot of optimism. And the people were those two, Larry and Herbie, Mary, Jonathan, and of course, the daughter, Susanne. And these people, in their own way, created that condition where this man, the narrator, kept himself pumped up. केप्ट हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग यहां तक कि इन बच्चों ने जो कार्ड भी बनाया था और कार्ड में जो मैसेज लिखा था वह भी बड़ा उत्साहित करने वाला था और उसके बाद जब उन्होंने कहा था यू आर द बेस्ट पर्सन यू आर द बेस्ट मैन यू आर द बेस्ट कैप्टन दो बातें उन्होंने कही इस पर हम विवेचना बाद में करेंगे जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस लेसन की उस पर हम विवेचना करेंगे कि दो बातें कहने का क्या अर्थ है क्यों उसे बेस्ट कैप्टन भी कहा और बेस्ट डैड भी कहा सो एट द नैरेटर थैंक्स हिज पीपल अराउंड हु हेल्प हिम इन दीज आर्थ एंड फील्स वेरी हाई ऑफ देम हु सपोर्टेड हिम एंड फाइनली दे लैंड अप ऑन ए सी विदाउट लूजिंग लाइफ्स दे लैंडलाप ऑन ए सी शोर विदाउट सीइंग द शिप रेकेज जहाज के टूटने की घटना उनके सामने नहीं घटी वे लोग सकुशल जमीन पर आ गए और उनका लोगों ने स्वागत भी किया सो विद दिस दिस स्टोरी एंड्स एंड वी विल गो ऑन टू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस स्टोरी